चलो बेटा स्टार्ट करें कैपेसिटर। लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा ये बता दीजिए आप हमें। पोटेंशियल पढ़ लिया ना हम लोगों ने, पूरा हो गया। तो पहले कैपेसिटर के आप थियोरेटिकल क्वेश्चन लिखिए, कौन कौन से थियोरेटिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या पूछी जा सकती है आप लोगों से, ठीक है। पहले 5 नंबर के बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैपेसिटर के अंदर से स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर ये एनसीईआरटी के अंदर ना डेरिवेशन तो है नहीं, लेकिन उसकी एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन बनाकर दे रखा है जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो नाम है टॉपिक का स्फेरिकल कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे तरीके से करेंगे। नंबर 2 पर आप लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी, ओके। नंबर 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स टाइप्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स टाइप्स। बेटा जो इसका टाइप्स है ना, वो एक सही मायने में ना एक तरीके का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। डाइलेक्ट्रिक को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भरा जाता है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच, और आपसे कैपेसिटेंस पूछी जाती है। जब हमने पढ़ाया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे इसके ऊपर कि भाई ऐसे डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो क्या होगी, ऐसे डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो क्या होगी, वो कंडीशन है ये, ठीक है। उसमें से जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ओरिजिनल डेरिवेशन है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये तो मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये तो बहुत बेसिक है, बहुत ईजी है। लेकिन हाँ, जो इसके टाइप्स है, किस किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे और कैसे कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट करेंगे, वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड कॉमन पोटेंशियल, शेयरिंग ऑफ चार्ज कॉमन पोटेंशियल, शेयरिंग ऑफ चार्ज कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, शेयरिंग ऑफ चार्ज कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके। लास्ट में 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, लिख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शॉर्ट नोट लिखने के लिए इसके ऊपर आप लोगों से आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक एंड टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये टॉपिक भी बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रखा है थ्योरेटिकल। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, सस्केप्टिबिलिटी होती है और भाई इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो इतना सारा तो आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि डाइलेक्ट्रिक क्या है और कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं पढ़ना है। ये हो गए आपके सारे थ्योरेटिकल टॉपिक जो आपको करने हैं तैयार, ठीक, लिख लिए सभी लोगों ने। अब हम करते हैं क्वेश्चंस स्टार्ट। तो क्वेश्चंस हम लोगों ने सब रेडी कर दिए हैं। कल की क्लास की टाइमिंग आपको पता है 2 बजे से है कल आपकी क्लास, ठीक है। थोड़ा लंबी चलेगी क्लास क्योंकि परसों आपका टेस्ट है। हम कैपेसिटर तो कंप्लीट करेंगे ही, अगर थोड़ा सा बीच में हमें टाइम मिल गया तो एक बार से स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे, कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखो बेटा, नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास में, ये प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास में ये है, लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। करें स्टार्ट, ठीक है। तुम्हें याद होगा यार, हमने एक चीज बताई थी कि अगर कोई ड्रॉप इक्विलिब्रियम में लटक रही है तो नीचे की तरफ काम करता है mg और ऊपर की तरफ काम करता है qe, और दोनों बराबर होते हैं आपस में, याद है ना। सवाल लगभग लगभग वैसा ही है, लेकिन आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा यहां पर, आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो सवाल कैपेसिटर में आया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों से पूछ रखा है। कॉन्सेप्ट क्या है अब आप समझिए। देखो बेटा, अगर कोई ड्रॉप इक्विलिब्रियम के अंदर हेल्ड है तो QE mg के बराबर होगा। QE किसके बराबर होगा? अब देख लेते हैं यार, हमारे पास में क्या क्या है। मास है, अरे बताओ यार, ग्रेविटी भी है, और 10 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Ne, ठीक है। तो Q का अरेंजमेंट भी हो गया, M का अरेंजमेंट भी हो गया, G का अरेंजमेंट भी हो गया, और हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। देखो हमें क्या निकालना है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लिखेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं V अपॉन D। ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखेंगे कैपिटल V अपॉन D, कैपिटल V अपॉन D। क्या बनेगा ये, किसके इक्वल बनेगा?
mg के इक्वल बनेगा। आगे से ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड को v अपॉन d लिख सकते हैं आप। तो यहां से जो वोल्टेज की वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी mg d अपॉन q। मास आपको गिवन दे रखा है, ग्रेविटी की वैल्यू भी हमें गिवन दे रखी है, दोनों प्लेटों के बीच का गैप डिस्टेंस भी हमें गिवन दे रखी है, और चार्ज को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा और बताइए पूरा डेटा आपके पास में है या नहीं है। मास है आपके पास में, कितना है मास जरा पढ़ के बताओ, 3 × 10⁻⁶। ग्रेविटी है आपके पास में 10। डिस्टेंस कितनी है प्लेटों के बीच की, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 5 × 10⁻³। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹। सारी वैल्यूज है, पुट करोगे कैलकुलेट करोगे, यहां से निकल जाएगा वोल्टेज, या इसका दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गई ना बात, कर लीजिए नोट फटाफट। ओके, क्लियर, एनी डाउट? बढ़े आगे। देखो बेटा प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है, जरा ध्यान से देखना कि प्रॉब्लम हमें क्या दे रखी है और क्या हमें यहां कैलकुलेट करना है। वैशाली में तुम्हें बात करते हुए ना देखो बिल्कुल भी, हाँ बस ध्यान रखना, तुम बात नहीं कर रही हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं तुम्हें। द चार्ज Q वर्सेज पोटेंशियल V ग्राफ फॉर द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपके सामने ना ग्राफ बना हुआ है, Q यानी चार्ज और V यानी वोल्टेज के बीच, Q यानी चार्ज V यानी पोटेंशियल के बीच में हमारे सामने दो ग्राफ बने हुए हैं, एक ग्राफ ऊपर वाला और एक ग्राफ नीचे वाला, ये ठीक है। वॉट डज द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट, सबसे पहले बताना है कि लाइन का स्लोप किस बात को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द लाइन रिप्रेजेंट द टू कॉम्बिनेशन, ये बताना है कौन सीरीज को दिखाएगा कौन पैरेलल को दिखाएगा, समझ में आ रही बात। नंबर 3, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी निकालनी है। करें स्टार्ट, अब देखो हम कैसे प्रॉब्लम बनाने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहली बात, अगर आपको स्लोप निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, स्लोप का फॉर्मूला होता है कि वाई एक्सिस पर देखो क्या रखा है क्यू, और x एक्सिस पर क्या रखा है y वाले एक्सिस को x वाली एक्सिस से डिवाइड कर दो। y पर कौन है ये बताओ, और x पर कौन है, हम q को v से डिवाइड करेंगे, q अपॉन v, आया समझ में, ये हमारा स्लोप कहलाएगा। और हमने पढ़ रखा है कि जो चार्ज और वोल्टेज का रेशो होता है उसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, क्या बोलते हैं? देखो सब लोगों ने पढ़ रखा है q इज इक्वल टू cv, पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है? V आ जाएगा Q के अपॉन में, तो बनेगा Q अपॉन V इज इक्वल टू C, ठीक है। सो Q अपॉन V इज इक्वल टू C, यानी स्लोप जो है वो हमारा C को रिप्रेजेंट करेगा, और C का नाम है कैपेसिटेंस। क्या नाम है C का? क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो पहला क्वेश्चन, पहला आंसर हमारा बन चुका है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट, बेटा लाइन का जो स्लोप है वो C को दिखाएगा, किसे दिखाएगा, और C का नाम है कैपेसिटेंस। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब स्लोप दिखा रहा है कैपेसिटेंस को। स्लोप का दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास में टेन थीटा, क्या होता है? हम ये कह सकते हैं कि जिसका थीटा ज्यादा होगा उसी की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसी की कैपेसिटेंस क्या होगी। अब थीटा देखा जाता है हमेशा एक्स एक्सिस से, कहां से देखा जाता है? अब बताओ एक्स एक्सिस से थीटा कौन ज्यादा बना रहा है, ये ऊपर वाला या नीचे वाला? तो हम कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ वन इज ग्रेटर देन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ टू, क्योंकि रूल के मुताबिक जिसका एंगल ज्यादा होगा उसी की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे बेटा C1 है ज्यादा और C2 है कम, ठीक है, समझ में आ रही सभी लोगों को बात। जब दो कैपेसिटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस कम आती है, कैपेसिटेंस में उल्टा होता है रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, यानी हम ये कह सकते हैं कि सीरीज में कैपेसिटेंस होती है कम और पैरेलल में होती है ज्यादा। तो ज्यादा कौन सी है? C1, और कम कौन सी है बताओ, कौन पैरेलल को दिखाएगी और कौन सीरीज को दिखाएगी? C1 तो दिखाएगी पैरेलल को और C2 दिखाएगी सीरीज को, जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं आया?
C1 काहे को दिखाएगी और C2, क्लियर है ना सभी लोगों को? गुड। नंबर तीन पर हम लोग आते हैं। नंबर तीन पर है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर। अब मुझे आप ये बताइए बेटा, सुनिए ध्यान से, मुझे ये बताइए ये C1 किसे दिखा रहा है और C2? तो देखो पैरेलल को मैं CP को कैसे निकालूंगा, CP का मतलब है कैपेसिटेंस इन पैरेलल, कैपेसिटेंस इन, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन V, चार्ज अपॉन। तो देखो C1 में ये देखो ये क्या है बेटा, चार्ज, अरे है या नहीं है, और ये क्या है पोटेंशियल, कितना है 10। तो C1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, चार्ज 90 माइक्रोकूलम दिख रहा है लिखा हुआ, 10^-6/10 कैंसिल आउट, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस आएगी 9 माइक्रो फेरड। नहीं आया समझ में, पक्का? चलो अब निकालते हैं सीरीज में, काहे में निकालते हैं, देखो सीरीज में कितनी निकलेगी, सीरीज ये वाली लाइन सीरीज को दिखा रही है ना, ये वाली लाइन काहे को दिखा रही है, और ये वाली लाइन, पता है ना कौन सी पैरेलल कौन सी सीरीज, क्यों पैरेलल क्यों सीरीज, क्लियर है ना बिल्कुल अच्छे से बात। इस पॉइंट पर बताओ चार्ज कितना है और वोल्टेज कितना है, चार्ज को वोल्टेज से डिवाइड करेंगे कैपेसिटेंस निकल जाएगी, 20 को 10 से डिवाइड किया 2 आ गया, आंसर बना 2 माइक्रो फेरड। जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया, कोई परेशानी है किसी को? पैरेलल में कैपेसिटेंस है 9 माइक्रो फेरड और सीरीज में है 2 माइक्रो फेरड, लेकिन हमें पैरेलल सीरीज नहीं निकालना था, हमें तो ये बताना था कि जिन दो को जोड़कर तुम पैरेलल में, जिन दो कैपेसिटेंस को पैरेलल में जोड़कर ये 9 आंसर आया है, और जिन दो को सीरीज में जोड़कर ये 2 आंसर आया है, वो 2 कैपेसिटेंस कितनी है। तो बेटा पैरेलल में जब आप किसी 2 कैपेसिटर को जोड़ते हो, उनकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ये C1+C2, क्या होता है, और जब आप सीरीज में जोड़ते हो तो फॉर्मूला होता है C1+C2। समझ में आई बात? तो पहली इक्वेशन हमारे पास में बन गई C1+C2=9, दूसरी इक्वेशन बन गई C1+C2=2, C1+C2 कितना है 9, यहां रखेंगे 9 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, अरे कितना आएगा, समझ में आया 18 कैसे आया? तो बताओ ऐड करने पर कितना आना चाहिए 9 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 18, तो 6 और 3, 6 को 3 में जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 और 6 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा 18। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो गई 6 माइक्रो फेरड और दूसरे की हो गई 3 माइक्रो फेरड। जल्दी बताओ समझ में आया नहीं है, कौन से वाला, कौन पैरेलल में कौन सीरीज में कैसे? ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप इक्वल है सी के, और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जिसका एंगल ज्यादा होगा उसी की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। किसका एंगल ज्यादा है, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से मापा जाता है, एंगल इसका ज्यादा है और इसका कम है। ठीक है, यानी इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है और इसकी कम है, और जिसकी ज्यादा होती है ना उसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जिसकी कम होती है उसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया पैरेलल के लिए और ये हो गया सीरीज के लिए। सीपी कैसे निकाला हम लोगों ने, सीपी कैसे निकाला, जो सीपी वाली लाइन है ना उसका स्लोप निकाल दो, क्या निकाल दो, वो सीपी बन जाएगा, और जो सीएस वाली लाइन है उसका स्लोप निकाल दो, वो सीएस बन जाएगा। तो सीपी का हमने जब स्लोप निकाला तो इस चार्ज को इस पोटेंशियल से डिवाइड कर दिया, सीपी निकल गया, हमने चार्ज को पोटेंशियल से डिवाइड किया तो सीएस निकल गया। सीपी को हम लिख सकते हैं C1+C2 और सीएस को हम लिख सकते हैं C1+C2/C1+C2। C1+C2 कितना हो गया 9, यहां रखा 9 मल्टीप्लाई इधर करी कितना हो गया 18, ऐड करने पर आना चाहिए 9 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 18। ऐसे तो 10th में बहुत सारे सवाल करे आपने यार, 2 नंबर की मल्टीप्लाई करके इतना है, 2 नंबर को ऐड करके इतना है, हमने बना दिया आंसर। बताओ समझे या नहीं समझे? हाँ भैया समझ गए हो सभी लोग? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा। दोबारा बताने की तो जरूरत नहीं है, आगे तुम्हें समझ में ये छोड़ दिया, गुड।
देखो भाई बच्चों आगे देखो, देखो यार ये सवाल बड़ा शानदार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान से समझ के चलना है। ठीक है, क्या है प्रॉब्लम, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टू चार्ज मेटल स्पेयर्स ऑफ रेडियस आर एंड टू आर टेम्परेरली प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट एंड देन सेपरेटेड एट द सरफेस ऑफ ईच विच स्पेयर हैज अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग चार्ज, चार्ज डेंसिटी, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल, और चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को कि हम कैसे करेंगे। भाई सबसे पहली बात आप देखिए क्या कहा गया है, टू चार्ज मेटल स्पेयर्स ऑफ रेडियस आर, और दूसरे की रेडियस कितनी है, टू आर। भाई पहले वाले की रेडियस हो गई अपने पास में आर, और दूसरे वाले की रेडियस हो गई अपने पास में टू आर। जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं आया, कोई परेशानी है तो किसी को क्लियर कर लो अभी। ठीक है, अब उसने हमें क्या कहा, हमने मान लिया कि इसका स्टार्टिंग का चार्ज कितना है और इसका स्टार्टिंग का चार्ज कितना है, जल्दी बताओ समझे या नहीं समझे। ठीक है, अब उसने हमें क्या कहा, उसने हमें ये कहा, हमने दोनों को उठाया कॉन्टेक्ट में रखा, कॉन्टेक्ट में रखने से पोटेंशियल सेम हो जाता है, क्या हो जाता है, फिर वहीं रख दिया हम लोगों ने, समझ में आ रही बात। अच्छा, हमने उठाया कॉन्टैक्ट में रखा और कॉन्टैक्ट में रखे दोबारा से वहीं रख दिया, तो कॉन्टैक्ट में रखने के बाद, कॉन्टैक्ट में रखने के बाद इसका चार्ज हो गया है क्यू वन डैश, कितना हो गया है, रेडियस तो इतनी रहेगी, रेडियस पर क्या फर्क पड़ेगा, बड़ा छोटा थोड़ी हो जाएगा, रेडियस तो उतनी रहने वाली है। हाँ, कॉन्टैक्ट में रखने के बाद इसका चार्ज कितना हो गया, क्यू टू डैश, इसकी रेडियस है हमारे पास में टू आर। जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं आया, अरे बोलो भाई जल्दी से, कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई परेशानी हो तो क्लियर कर लेना हमसे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, देखो क्या कंडीशन हमारे पास में आएगी, हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा कॉन्टेक्ट में रखने से पहले का चार्ज था, कॉन्टेक्ट में रखने से जो पहले का चार्ज था वो कॉन्टेक्ट में रखने के बाद के चार्ज के इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल, क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, क्या रहता है, जो आपका इनिशियल चार्ज होगा ना बिल्कुल वही आपका फाइनल चार्ज के इक्वल होगा। तो बताइए स्टार्टिंग का चार्ज कितना है आपके पास में, Q1, यहाँ का चार्ज और वहाँ का चार्ज Q1 डैश और वहाँ का चार्ज Q2 डैश, तो हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। जल्दी बताओ समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत है किसी को। अच्छा, अब हम लोगों ने जब इन दोनों को टच करा कर यहां रख दिया, ऐसे टच कराया आपस में और यहां रख दिया, तो इनके पोटेंशियल कैसे हो गए, सेम, टच कराकर अगर रखा पोटेंशियल दोनों के सेम हो गए। अच्छा बताओ इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 डैश अपॉन r, और इसका पोटेंशियल कितना होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 डैश अपॉन 2r। बेटा जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है, इससे ये क्या हो गया हमारा कैंसिल आउट, r से r हमारा कैंसिल आउट, q2 डैश इज इक्वल टू 2 इनटू q1 डैश, बताओ आया या नहीं आया, Q2 डैश 2 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, ये बन जाएगा Q1 डैश, अरे जल्दी बोलो यार, आ गया समझ में। ठीक है, अब यहां पहुंचो, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश और यह है Q2 डैश, Q1 डैश की जगह तो हमने Q1 डैश ही रखा, Q2 डैश की जगह हमने रख दिया 2Q1 डैश, कितना बना हमारे पास में 3Q1 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, सो Q1 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यानी टच कराने के बाद इस बॉडी पर इतना चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 3, और इसे उठाकर यहां से यहां रखेंगे तो Q2 डैश कितना हो जाएगा हमारा, Q2 डैश हो जाएगा Q, टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 3, दूसरी बॉडी पर इतना चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो विच स्पेयर हैज अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, विच स्पेयर हैज अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो बताओ टच कराने के बाद इस पर कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2 बाय 3, और दूसरे पर कितना है 2Q1 प्लस Q2 बाय 3, अबे आया समझ में, बताओ किस पर ज्यादा चार्ज है, पहले वाले पर या दूसरे वाले पर,
तो पहला आंसर निकल गया, दूसरे पर चार्ज ज्यादा होगा, पहले पर कम होगा। जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया, करो फटाफट नोट, फिर दूसरे की बात करेंगे। नहीं समझे क्या? हाँ, मुस्कान तुम्हें समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? दोनों को टच करा के वही रख दिया, तो टच कराने से क्या होता है? सेम हो जाता है, ठीक है, पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम, ध्यान रखिएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पर चार्ज कितना है, इस Q1 प्लस Q2 बाय 3 को मैं X मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? कौन इतनी बड़ी वैल्यू लिखता फिरेगा यार, मैंने इसे क्या मान लिया? X। तो दूसरे पर चार्ज कितना हो गया? 2X। अगर मैंने Q1 प्लस Q2 बाय 3 को X मान लिया तो दूसरे का चार्ज कितना हो गया? 2X। नहीं समझ में आया क्या? अब दूसरी चीज उसने हमसे क्या पूछी है, दूसरी चीज उसने हमसे पूछी है कि चार्ज डेंसिटी। क्या पूछी है? तो ये बताओ, पहले वाले की चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? पहले वाले का चार्ज Q1 डैश अपॉन पहले वाले का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा Q1 डैश को हमने क्या माना है? क्या बनेगा? अरे समझे, दूसरे वाला कितना होगा? सिग्मा 2। बेटा Q2 डैश और दूसरे का एरिया 4 पाई, दूसरे वाले की रेडियस कितनी है? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई 2 आर का होल स्क्वायर। दोनों पर यह बताना है चार्ज की डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। पहले वाले का चार्ज कितना आया? Q1 डैश। दूसरे का कितना है? Q2 डैश। Q1 डैश को हमने क्या मान लिया? X। तो पहले वाले की चार्ज डेंसिटी इतनी होगी, दूसरे वाले की चार्ज डेंसिटी बताओ कितनी होगी? 2 का स्क्वायर करेंगे 4 ही हो जाएगा, 16 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। अरे होगा या नहीं होगा, जल्दी से बोलो, आया समझ में? अब बताओ, सिग्मा है इतना, सिग्मा 1 है इतना और सिग्मा 2 है इतना, कौन ज्यादा है, सिग्मा 1 या सिग्मा 2? सिग्मा 1, साफ साफ दिखाई दे रहा है सिग्मा 1 ज्यादा है। तो हम क्या कह देंगे? सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन ऑफ सिग्मा 2। पहले क्या निकला था? पहले क्या निकला था? दूसरे का चार्ज ज्यादा निकला था, पहले का कम निकला था। इस बार किसके लिए सिग्मा ज्यादा निकला है? पहले के लिए ज्यादा निकला है, दूसरे के लिए कम निकला है। नहीं समझे क्या? पक्का? तुम्हारे ऊपर ना यार शक रहता है मुझे। नंबर 3 बताओ, आदित्य बता बेटा, पहला पहले का पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल कितना होगा? बुद्धि से सोच, दोनों में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? अबे यार, टच कराने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, इतना सोचने की क्यों जरूरत पड़ रही है भाई? जब दोनों को उठाकर टच करा दिया, फिर वहीं रख दिया, फिर किसका ज्यादा हो? किसी का भी ज्यादा नहीं होगा, दोनों का क्या होगा? सेम होगा। हमने वो सेम कर गई तो पूरा रिजल्ट निकाला है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम, ना किसी का ज्यादा होगा ना किसी का कम होगा। आ गया समझ में? चौथे नंबर पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा? के एक्स अपॉन आर स्क्वायर होगा। क्यू डैश, क्यू वन डैश की जगह मैंने एक्स लिख दिया। दूसरे का कितना होगा जल्दी बताओ? के 2x 2r का होल स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। बताओ कौन ज्यादा है? E1। और कम कौन है? तो बेटा चार्ज तो दूसरे का ज्यादा है, पहले का कम है, पोटेंशियल दोनों का बराबर है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी पहले की ज्यादा है, दूसरे की कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पहले का ज्यादा है, दूसरे का कम है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर फास्ट।
प्रियम हो गया एग्जाम? कैसा हुआ तेरा आज? ठीक सही हुआ? बस ठीक सही ही क्यों हुआ भाई तेरा? नहीं नहीं तूने ये कहा ना ठीक सही हुआ बस, इसका क्या मतलब है भाई? क्या तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा तुम सीबीएसई पैटर्न की तैयारी करके गए थे? अरे मेरे भाई सिलेबस थोड़ी चेंज हो जाएगा, सिलेबस तो वैसा ही रहेगा। हैं? तो तू तुझे क्या बताता कि तुझे चॉइसेस ही अटेम्प्ट करनी है यार, तू पूरा सिलेबस पढ़ के जाता। मतलब ये है मेन बात कि तैयारी नहीं थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन कर लिया, इसके क्या हालात थे? कर दिए? देखो बेटा ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए, इसका नाम है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखा है इस तरीके का सवाल। ये प्रूफ कराया जाएगा आप लोगों से, इसी लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, हेडिंग करके लिखना आप लोग स्फेरिकल कैपेसिटर, बाकी क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखो भाई, छोटा स्फीयर कनेक्ट है सोर्स के साथ जहां से पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बड़ा स्फीयर कनेक्ट है अर्थ के साथ। देखो ध्यान से, छोटे स्फीयर की रेडियस है R1 और बड़े स्फीयर की रेडियस है R2। बताओ बाहर से कितना चार्ज आने वाला है? पॉजिटिव, और ये पूरे सरफेस के ऊपर इक्वली फैल जाएगा। इस पॉजिटिव को देखकर बड़े वाले के अंदर की तरफ कैसा चार्ज आ जाएगा? इंडक्शन मेथड से अंदर की तरफ नेगेटिव आएगा तो बाहर की तरफ, और वो पूरा अर्थ में पहुंच जाएगा। तो इस पॉजिटिव को हम यहां दिखा नहीं रहे, समझ में आई बात? एक छोटा गोला जिस पर बाहर से पॉजिटिव चार्ज आया, इसे देखकर बड़े गोले के अंदर की तरफ आ गया नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड, बाहर की तरफ क्या आ गया? पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव पूरा पहुंच गया अर्थ में। ठीक है, हमें बताना है कैपेसिटेंस। अगर मैं आपसे पूछूंगी एनर्जी कहां स्टोर होगी, क्या एनर्जी यहां स्टोर होगी? क्या एनर्जी यहां स्टोर होगी? क्या एनर्जी यहां स्टोर होगी? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां एनर्जी स्टोर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां है ना? अरे है या नहीं है? यहां होगी एनर्जी स्टोर, समझ में आ रही बात? चलिए पहले हम निकाल देते हैं पोटेंशियल। छोटे गोले का पोटेंशियल कितना होगा? 1/4πε0 q/r1। क्लियर? जल्दी बोलो। बड़े गोले का पोटेंशियल कितना होगा? माइनस। बता सकते हो माइनस क्यों आया है? माइनस क्यों आया है? क्योंकि बड़े गोले पर अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, अगर छोटे गोले के सरफेस पर प्लस क्यू होगा तो यहां क्या होगा? माइनस क्यू। ये निकल गया बेटा हमारा टोटल पोटेंशियल। ठीक है, ये जो बीच का पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, यहां टोटल पोटेंशियल हमारा इतना रहने वाला है। तो बताओ टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या बनी? कॉमन क्या आ सकता है? क्यू और 4πε0 R1 और R2 का LCM, R1 R2, समझ में आ रही बात? ऊपर बनेगा हमारे पास में क्या? R2 माइनस, ये बन गई पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, अब कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो है Q/V। क्यू और V की वैल्यू है आपके पास में Q/4πε0 R2 माइनस के R1, यहां है R1 इंटू R2। ठीक है, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, 4πε0 कहां पहुंचेगा? ऊपर, साथ में क्या होगा? ये R1 R2 भी, और अपॉन में क्या होगा? R2 माइनस R1। लो भैया ये होगी हमारे पास में कैपेसिटेंस, तीन स्टेप में डेरिवेशन ड्राइव। आ गया समझ में? तो पहले ये बताओ कि हम लोगों ने किसका पोटेंशियल निकाला या किसका पोटेंशियल नहीं निकाला, जल्दी से बताओ आप हम लोगों को। बोलो भाई किसका पोटेंशियल निकाला और कहां निकाला पोटेंशियल? छोटे गोले का पोटेंशियल कितना होगा, समझ में आ गया? कितना होगा? 1/4πε0 q/r1। बड़े गोले का पोटेंशियल कितना होगा? 1/4πε0 q/r2, माइनस में होगा। होगा या नहीं माइनस में? टोटल पोटेंशियल इतना, कॉमन ये सॉल्व किया, कैपेसिटेंस आ गई। ठीक है, कर लीजिए नोट। अच्छा क्वेश्चन में ना उसने बड़े वाले की रेडियस R2 मान, R1 मान रखी है बड़े वाले की। क्या मान रखी है?
मैंने उल्टा मान रखी है, तो वो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे समझ में? देखो आगे, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाने के बाद में हम करेंगे, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम पढ़ लेंगे। देखो बेटा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन जस्ट मैंने आपको अभी कराया, कर पाओगे इस तरीके की प्रॉब्लम को? क्या दिया है आप लोगों को? शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर ए एंड बी वर्सेस इंक्रीज ऑफ चार्ज क्यू, यानी वी और क्यू के बीच में बनने वाला ग्राफ है बेटा, ये वी और क्यू के बीच में बनने वाला ग्राफ। आपको बताना है कि किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी और किसकी कैपेसिटेंस कम होगी। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा स्लोप। क्या निकालना पड़ेगा बताओ? स्लोप कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताओ स्लोप कैसे निकालेंगे? वी अपॉन क्यू, आ गया वी अपॉन क्यू, वाई वाले को एक्स वाले से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन अपॉन क्यू अपॉन वी, इस वी को उठाकर क्यू के अपॉन में ले गए, क्योंकि जो कैपेसिटेंस होता है ना वो क्यू अपॉन वी के इक्वल होता है, तो क्यू अपॉन वी हो गया कैपेसिटेंस हमारे पास में। जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? अच्छा, स्लोप की वैल्यू क्या होती है भैया? टेन थीटा। थीटा के और सी के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली या इनवर्सली? यानी अगर एंगल बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगी, और अगर एंगल कम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो बताओ किसका एंगल कम है और किसका एंगल ज्यादा है? बी का ज्यादा है और ए का, किसका एंगल कम है? ए का। तो ए की कैपेसिटेंस होगी ए का एंगल कम है, ए की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी और बी की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, ठीक है। देखो भाई, ए की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी और बी की कैपेसिटेंस कम होगी। स्लोप की वैल्यू आ गई वी अपॉन क्यू हमारे पास में, क्यू को ले गए इसके अपॉन में, ये बन गया वन अपॉन सी। थीटा और सी के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन गया, यानी जिसका एंगल ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस कम। एंगल किसका ज्यादा है? बी का, तो बी की कैपेसिटेंस कम है। एंगल किसका कम है? ए का, ए की कैपेसिटेंस ज्यादा है। कर पाओगे अब आप इस तरीके का सवाल, दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन रटना मत, स्लोप से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, कि आपसे ऐसी प्रॉब्लम को स्लोप से बनाना है। बना लोगे ना? हो गया सभी लोगों का? आगे बढ़े आप। चलो देखो आगे, देखो बेटा इस प्रॉब्लम को। थ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिको फेरड, 3 पिको फेरड एंड 4 पिको फेरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वेरी इजी, तीन कैपेसिटर्स दे रखे हैं और तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। काहे में कनेक्ट है? ओके, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? देखो बेटा कुछ इस तरीके से कनेक्ट है, पहले वाला कैपेसिटर ये, दूसरे वाला कैपेसिटर ये और तीसरे वाला कैपेसिटर ये, तीनों है पैरेलल में कनेक्ट। आपको याद होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। पहले वाले की जो कैपेसिटेंस हमें दे रखी है वो है 2 पिको फेरड, दूसरे वाले की है 3 पिको फेरड और तीसरे वाले की है 4 पिको फेरड। तीनों पैरेलल में है, पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ये C1 + C2 + C3। बेटा C1 हो गया 2, C2 हो गया इतना, C3 हो गया इतना, आंसर कितना बना? 9 पिको फेरड। पहला आंसर तो आ गया आपका ये, समझ में आ गई बात? बहुत आसान है। दूसरे वाले में आपसे क्या पूछा है? दूसरे वाले में पूछा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट। अब ध्यान से देखना, अगर हमने इस पूरे कॉम्बिनेशन को 100 वोल्ट के साथ जोड़ रखा है, कितने वोल्ट के साथ जोड़ रखा है? इस तरीके से,
एक किनारे पर 100 वोल्ट, दूसरे किनारे पर 0 वोल्ट, ठीक है। तो हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा आपको ये बताना है। अब मुझे ये बताओ यहां कितने वोल्ट है, बीच में कोई कैपेसिटर तो नहीं है? अरे है कोई बीच में कैपेसिटर? जब तक बीच में कैपेसिटर नहीं आता है तब तक पोटेंशियल कम नहीं होता है। यहां 100 है तो यहां भी 100 होगा, यहां 100 है तो यहां भी 100 होगा, यहां भी 100 होगा, यहां का वोल्टेज 100, यहां भी 100, यहां भी 100, यहां कितना है? बीच में कोई कैपेसिटर तो नहीं है, कितना होगा? यहां भी 0 और यहां भी। अब बताओ इस कैपेसिटर के एक किनारे पर कितना है? 100, दूसरे किनारे पर? तो इसका चार्ज आ गया CV। क्या आ गया? बताओ C कितना है और V कितना है? मल्टीप्लाई करोगे 200 माइक्रो कूलम। आया समझ में? हाँ, पीको कूलम, पीको कूलम, ठीक है। इस पर कितना आएगा? 300 पीको कूलम, और इस पर कितना आएगा? 400 पीको कूलम। समझ में आ गई बात? क्या तो आप ऐसे कह लो, या प्रॉब्लम की लैंग्वेज पढ़कर ये कह लो कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। क्या रहता है? अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा तो यहां पर भी 100, यहां पर भी 100, यहां पर भी 100, और चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है CV, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल इज कॉल्ड चार्ज। क्लियर? ओके, क्लियर। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं बच्चों, सब एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं। हो गया सबका? हो गया? चलो ये भी अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आप अपनी कॉपी में ना हेडिंग लिखो बेटा, अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लिखिए आप, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लिख दिया? देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में एक प्लेट ये है हमारे पास में और एक प्लेट ये है हमारे पास में। पहली प्लेट को हमने जोड़ा हुआ है सोर्स के साथ और दूसरी प्लेट को हमने जोड़ा हुआ है अर्थ के साथ। एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, इस प्लेट पर चार्ज की डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इस पर चार्ज की डेंसिटी है माइनस सिग्मा, और इन प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल आपको दे रखा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ये हमारे पास में ना बेटा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एनर्जी जो स्टोर होगी वो यहां पर स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है अपने पास में वो ये है, एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी। आप जानते हैं कि एप्साइलन नॉट होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है ये 8.85 इंटू 10^-12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2। ए का मतलब क्या है? प्लेट ऐसे रखी है, ऐसे ऐसे एक्चुअल में प्लेट ऐसे है रखी, ऐसे है, तो ये जो पूरी प्लेट का एरिया होगा ये क्या कहलाएगा? ए। दोनों प्लेट के बीच का जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा? डी। अगर हम दोनों प्लेटों के बीच में, अगर हम दोनों प्लेटों के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक को फिल करा देते हैं, यहाँ पर बेटा एक मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक को फिल कराने से इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी और नई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा, अगर डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट के है, नई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा के एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक को फिल कराया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी और नई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा हमारे पास में के एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी। समझ में आ रही बात? ये तो है बहुत ही ज़्यादा बेसिक। अब इसके अंदर से मेनली जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेनली जो एग्जाम के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना बेटा, वो इस तरीके का क्वेश्चन रहता है। देखो ये है हमारे पास में एक प्लेट, चार्ज की डेंसिटी है प्लस सिग्मा,
यह है हमारे पास में दूसरी प्लेट, चार्ज की डेंसिटी है माइनस सिग्मा। अरे भाई ध्यान देना जरा अच्छे से, हमने एक डाइलेक्ट्रिक को यहां फिल कराया, हमने एक डाइलेक्ट्रिक को यहां फिल कराया कुछ ऐसे, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक है ठीक है। अच्छा फिर हमने एक डाइलेक्ट्रिक को यहां फिल कराया कुछ ऐसे, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक है। ध्यान से देखना जरा, इस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है K1, इस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है K2, और K1 की वैल्यू K2 से ज्यादा है, यानी ये अच्छा डाइलेक्ट्रिक है, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। आपको ग्राफ प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच, ये पहला क्वेश्चन है जो इसके अंदर से पूछा गया है ठीक है। नंबर वन क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, देखो ये जगह खाली है ना बेटा, यस और नो? ये जगह डाइलेक्ट्रिक है, ये खाली है, ये डाइलेक्ट्रिक है, ये खाली है ठीक है। खाली जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन इतना ही तो यहां होगा, इतना ही यहां होगा, और बिल्कुल इतना ही यहां होगा। समझ में आ रही बात? यहां ये बताइए मुझे, यहां का डाइलेक्ट्रिक कितना है? K1। तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है सिग्मा K1 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही बात? यहां का डाइलेक्ट्रिक कितना है? K2। यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है सिग्मा K2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? खाली जगह पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, यहां भी मैक्सिमम, यहां भी मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिमम से थोड़ा कम होगा, यहां भी मैक्सिमम से थोड़ा कम होगा। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे मुझे बताइएगा जरा ध्यान से बेटा। ये खाली जगह है ना, अरे बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, हम यहां पहुंच गए ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर पहुंच गए है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा घटकर यहां आ गया, समझ में आ रही बात? फिर खाली जगह में आ गए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही हो गया हमारा ठीक है। फिर हम डाइलेक्ट्रिक के अंदर पहुंच गए, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा घटकर यहां आ गया, इस बार उतना नहीं घटा जितना पहले घटा था, मैं बताऊंगा क्यों नहीं घटा। फिर खाली जगह आ गए, फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया और हम दोबारा से यहां पहुंच गए। ये हमारा ग्राफ प्लॉट बना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ये हमारा ग्राफ बना। खाली जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, खाली जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, खाली जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम क्यों है? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक रखा है, और देखो K1 की वैल्यू ज्यादा है ना, K1 की वैल्यू ज्यादा, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कम होगा। K2 की वैल्यू कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो होगा लेकिन K1 के कंपैरिजन में थोड़ा कम कम होगा। समझ में आ रही बात? यानी यहां ज्यादा मिनिमम होगा, यहां उतना मिनिमम नहीं होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है E नॉट, क्या नाम है? इस वाले का नाम है E नॉट अपॉन K1, क्या नाम है? इसका नाम है E नॉट। समझ में आ रही बात? इसका नाम भी क्या है? E नॉट, और इसका नाम क्या है? E नॉट अपॉन K2। जल्दी से बताओ, समझ में आया नहीं आया? अरे समझ आया या नहीं आया? मतलब मैंने अगर एक ये बनाया कैपेसिटर, फर्स्ट प्लेट इज कनेक्टेड टू सोर्स एंड लास्ट प्लेट इज कनेक्टेड टू अर्थ ठीक है, और यहां बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक फिल करा दिया, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक है, तो कैसा ग्राफ बनाएंगे आप लोग? कैसा ग्राफ प्लॉट होगा मुझे ये बताइए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस, ये बताओ कैसी जगह है? खाली जगह है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम क्या हो गया? कितना है? डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, फिर खाली जगह है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या है? ई नॉट। इसका नाम भी क्या है? इसका नाम क्या है? ई नॉट अपॉन के। आगे समझ में? करिए फटाफट नोट डाउन।
हो गया, समझ आया सभी लोगों को? जल्दी बोलो क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो अभी आप हेडिंग लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, 2018 का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर था उसमें था ये सवाल। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन ड्राइव करनी है और इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है। 5 नंबर में क्वेश्चन था पूरा ये। बढ़े आगे, क्या लिखा आप लोगों ने? पैरेलल कॉम्बिनेशन इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, देखो जरा ध्यान से, देखो भाई बच्चों, यह है हमारे पास में फर्स्ट प्लेट चार्ज की डेंसिटी प्लस सिग्मा, यह है दूसरी प्लेट चार्ज की डेंसिटी माइनस सिग्मा। ठीक है, देखो हमने ऐसे ध्यान से, बिल्कुल सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्लेटों को इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि वो जो डिवाइड करने वाली लाइन है वो प्लेट के परपेंडिकुलर है, प्लेट के कैसी है, तो आप एकदम से पहचान कर जाएंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, देखो ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ये प्लेट के परपेंडिकुलर है या नहीं है? दो प्लेट ऐसे हैं, दो प्लेट ऐसे हैं बेटा, ऐसे दो प्लेट कुछ इस तरीके से हैं, इन्हें हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, एक यहाँ डिवाइड कर दिया, एक इसके नीचे यहाँ डिवाइड कर दिया, समझ में आ रही बात? 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पूरी प्लेट का एरिया है ए, पूरी प्लेट का एरिया ए है और ये एरिया है ए वन, कितना है? ये एरिया है ए टू, कितना है? और ये एरिया है ए थ्री, समझ में आ रही बात? समझ आ रहा है? ये डिस्टेंस हमें दे रखी है डी, कितनी दे रखी है? और यहां हमने एक डाइलेक्ट्रिक को फिल कराया जिसका कांस्टेंट है के, ये जगह भी खाली है और ये जगह भी खाली है। भाई ये तो हम समझ गए कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने माना कि इसकी कैपेसिटेंस है सी वन, इसकी कैपेसिटेंस है सी टू, इसकी कैपेसिटेंस है सी थ्री। सबसे पहले मैं आपके सामने निकालता हूं सी वन, सी वन की वैल्यू होगी एप्साइलन नॉट। आप सिर्फ पहले वाले पर, सी वन वाले पर ध्यान दीजिए, बता सकते हैं कि C1 वाले में प्लेट का एरिया कितना है? A1, कितना है? ओके, और C1 वाले की यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? D, तो C1 की कैपेसिटेंस हो गई इतनी, एप्साइलन नॉट A1 अपॉन D। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, C2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? C2 की एप्साइलन नॉट, एरिया कितना है, डायलैक्ट्रिक कितना है और डिस्टेंस कितनी हो गई? सिमिलरली C3 कितना है? C3 एप्साइलन नॉट ए, के नहीं है इस बार भाई, ए थ्री, और ये हो गया डी। यहां एयर है तो मैंने के नहीं लिया, यहां भी एयर है तो के नहीं, सिर्फ यहां है मटेरियल, तो ये तीन वैल्यूज हमने यहां आपके सामने लिख दिए। क्लियर हो गया ना? अब मुझे आप बताइए कि अगर आप तीनों को पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या आंसर बनेगा? सी पी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। बेटा पैरेलल में यही तो होता है ना फॉर्मूला, बस उठा के रखो और कॉमन बताओ क्या बनेगा। बता सकते हो कॉमन क्या आ रहा है? एक तो एप्साइलन नॉट आ रहा है और एक डी आ रहा है, तीनों में कॉमन क्या है? एप्साइलन नॉट और डी। पहले वाले में क्या बचेगा? ए वन। दूसरे वाले में क्या बचेगा? के ए टू। तीसरे वाले में क्या बचेगा? लो भैया ये बन गया हमारा कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जल्दी बोलो समझे या नहीं समझे। ठीक है, करिए नोट डाउन जल्दी से।